नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कंटिन्यूटी कंसेप्ट, जो आपके ट्वेल्थ के लिए और जेई और मेन एडवांस के लिए इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ध्यान से देखिए, सबसे पहले तो ट्वेल्थ का बेसिक आपको आना चाहिए, तो आज हम बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। तो कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट, सबसे पहले बात तो आपको पता होना चाहिए कि कंटिन्यूटी एक पॉइंट पे कैसी होती है। डेफिनेशन क्या कहती है कि किसी भी फंक्शन एफ एक्स कोई फंक्शन गिवन है आपको किसी डोमेन में, ठीक है, इज सेट टू बी कंटिन्यूअस एट एनी पॉइंट। कौन सा पॉइंट हम ले लेंगे, एट एक्स इज इक्वल टू ए। किसी पॉइंट ए पर उसको फंक्शन को कंटिन्यूअस कब कहेंगे, इफ जब लिमिट की वैल्यू एट एक्स टेंड्स टू ए फंक्शन इज इक्वल टू द फंक्शन वैल्यू, यानी कि उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू और लिमिट की वैल्यू सेम हो जानी चाहिए। अब देखिए, ये हमारी डेफिनेशन होगी एक पॉइंट के लिए। तो हमारे पास अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि एक पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं, तो हम इससे चेक करेंगे। तो देखिए, हमारे पास अगर फंक्शन कंटिन्यूअस होगा तो लिमिट की वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे सेम होगी। तो देखिए, हमारे पास अगर डिसकंटिन्यूटी केस क्या बनेंगे, पहला केस बनता है कि हमारे पास लिमिट एग्जिस्ट ही ना करे। लिमिट एग्जिस्ट का मतलब क्या होता है, आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल ना हो, ठीक है। जब लेफ्ट हैंड लिमिट यानी कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए नेगेटिव, राइट हैंड लिमिट लिमिट एक्स टेंड्स टू ए पॉजिटिव, ठीक है, हमारे पास ये आ गया। देखिए, यहां से हमारे पास फंक्शन कैसा हो गया, डिसकंटिन्यूअस हो गया। दूसरा हमारे पास क्या होता है कि लिमिट तो हमारे पास बराबर आ जाए, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो इक्वल आ जाए, लेकिन वो फंक्शन की वैल्यू के इक्वल ना आए। यानी कि लिमिट तो हमारे पास इक्वल आ गई, लेकिन ये जो वैल्यू है ये वैल्यू फंक्शन की वैल्यू के बराबर नहीं है। अब देखिए ध्यान से, हमारे पास कंसेप्ट को कैसे सीखेंगे हम, फंक्शन कंटिन्यूअस है तो हम ऐसे कर देंगे। अब कई बार पूछता है अगर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है तो कैसा होगा, फंक्शन होगा हमारा डिसकंटिन्यूअस। तो हमारे पास डिसकंटिन्यूअस कितने टाइप का फंक्शन होता है, तो पहली चीज आती है आपके पास कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल हो लेकिन वो फंक्शन की वैल्यू के इक्वल ना हो, तो ऐसे को बोलते हैं हम डिसकंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन। और ये कैसी डिसकंटिन्यूटी होती है, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी होती है। कंटिन्यूटी इज योर रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। फर्स्ट हमारे पास ये बन गया। सेकेंड चीज क्या होती है कि हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट आ जाए, एग्जिस्ट कर जाए, इज इट फाइन। राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर जाए, इट इज फाइन, बट ये दोनों इक्वल ही ना हो, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल ना हो, तो हम ऐसे डिसकंटिन्यूटी को बोलते हैं फंक्शन इज डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। तो हमारे पास ये जो फंक्शन है वो कैसी है? हमारे पास डिसकंटिन्यूटी हो जाएगा डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। देखिए, तीसरा केस क्या आता है हमारे पास, हमने क्या कर लिया, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी पढ़ ली, और नेक्स्ट हमारे पास क्या सा आ गया कि फंक्शन हमारे पास फर्स्ट काइंड की डिसकंटिन्यूटी आ गई। सेकेंड वाले केस में हमारे पास क्या होता है, डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकेंड काइंड के केस में क्या करेंगे हमारे पास कि थर्ड केस हमारे पास क्या बनेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट या बोथ, इनमें से कोई भी चीज डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट ही ना करे। एग्जिस्ट का मतलब क्या होता है कि प्लस माइनस इन्फिनिटी आंसर आ जाए। तो अगर ऐसा केस आ जाएगा तो वो हमारे पास बन जाएगी डिसकंटिन्यूटी ऑफ द सेकेंड काइंड। तो हम उसको बोल देंगे कि दिस इज ए सेकेंड काइंड डिसकंटिन्यूटी। तो देखिए, हमारे पास तीन तरह से डिसकंटिन्यूटी आ गई। कैसी डिसकंटिन्यूटी आ गई, एक तो आ गई रिमूवेबल, दैट इज योर फर्स्ट केस। सेकेंड आ गया आपके पास, रिमूवेबल का मतलब क्या होता है, लिमिट तो बराबर हो यानी कि लिमिट एग्जिस्ट कर जाए। इसका सिंपल सा मीनिंग है कि लिमिट एग्जिस्ट कर जाए, ठीक है। और इन दोनों केस में क्या है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करी, तो हमारे पास ये एक सिंपल से केस बन गए। अब देखिए, इसी को मैं दूसरे वे से लिख सकता हूं
कि हमारे पास, इसी को याद रखने का एक चार्ट बना देता हूं कि क्या चेक कर लो, हम लिमिट को चेक कर लेते हैं, ठीक है। पहला केस, लिमिट एग्जिस्ट तो कर गई लेकिन नॉट इक्वल टू द फंक्शन वैल्यू, तो इसको हम बोल देंगे रिमूवेबल डिस्कंटिन्यूटी। लिमिट एग्जिस्ट ही ना करे, डज नॉट एग्जिस्ट। अब लिमिट एग्जिस्ट ना करने के दो केस बनते हैं हमारे पास। पहला केस, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल ना हो, तो वो बन गई हमारे पास फर्स्ट काइंड डिस्कंटिन्यूटी, ठीक है। अब हमारे पास क्या आ गया, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट या दोनों ही प्लस माइनस इंफिनिटी आ जाए, यानी कि एग्जिस्ट ही ना करे, तो ये बन गई हमारे पास सेकेंड काइंड डिस्कंटिन्यूटी। तो देखिए हमारे पास इस तरह से हम क्या करेंगे, लिमिट की वैल्यू को फंक्शन की वैल्यू से चेक करके देख लेंगे और हमारे पास डिस्कंटिन्यूटी ऑफ द डिफरेंट काइंड्स आ जाएंगी। तो इसी के बेस पे अब देखिए हम क्वेश्चंस को करते हैं। हमारे पास दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जिससे आपका सारा का सारा बेसिक्स क्लियर हो जाएगा। कैसे करेंगे देखिए इन दोनों क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, चेक द डिस्कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। फंक्शन आपको दे रखा है मोड एक्स बाय एक्स एट एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, और जीरो पे वैल्यू जीरो है आपके पास। तो ये आपको चेक करना है कि चेक द कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो हम सबसे पहले क्या चेक करेंगे, तो फंक्शन देखिए हमारे पास मोड एक्स है। तो मोडुलस फंक्शन की एक डेफिनेशन होती है, क्या डेफिनेशन होती है कि अगर वैल्यू पॉजिटिव है अंदर वाली तो आपका प्लस एक्स आंसर आ जाएगा, ठीक है, या जीरो है, और अगर वैल्यू नेगेटिव है तो माइनस एक्स आंसर आ जाएगा। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मॉडुलस फंक्शन। तो वो डेफिनेशन हम यहां यूज कर लेते हैं। तो हमारा जो फंक्शन है वो ब्रेक होके क्या बन जाएगा, मोड एक्स यानी कि एक्स बाय एक्स जब एक्स पॉजिटिव होगा, माइनस एक्स बाय एक्स जब एक्स नेगेटिव होगा, और जीरो जब एक्स की वैल्यू जीरो होगी, क्योंकि तो जीरो दे रखी है आपको। तो ये बन गया हमारे पास वन, ये बन गया हमारे पास माइनस वन। नाउ फंक्शन को हमने सिंप्लीफाई कर लिया, वो फंक्शन हमारा ऐसे आ गया। नाउ चेक द कंटिन्यूटी ऑफ एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे इसकी लिमिट्स। तो हम क्या करेंगे देखिए, एट एक्स इज इक्वल टू जीरो पे जाना है, तो लिमिट हमें देखना है एट एक्स टेंड्स टू जीरो। अब जीरो से अगर लेफ्ट हैंड से और राइट हैंड से अलग अलग फंक्शन है, यानी कि जीरो नेगेटिव और जीरो पॉजिटिव अलग अलग है, तो जीरो नेगेटिव में हमारा वन है, जीरो पॉजिटिव में हमारा हमारा पॉजिटिव में वन है और नेगेटिव में माइनस वन है, तो अलग अलग है, तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों निकलेगी। तो देखिए हमारे पास सबसे पहले हम निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो वो बन गई लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो फंक्शन की वैल्यू। नाउ इसको सिंप्लीफाई करने का तरीका क्या होता है, हमारे पास फंक्शन की वैल्यू है वन, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो नेगेटिव, फंक्शन की वैल्यू रख दी वन। जीरो नेगेटिव मतलब नेगेटिव है, वैल्यू आ गई माइनस वन, माइनस वन दे रखी है, तो वैल्यू रखिए। इसको सिंप्लीफाई करने का तरीका होता है एक्स की जगह जीरो माइनस एच रख दो, तो एक्स की जगह अब एक्स कहीं है ही नहीं, तो हमारे पास डायरेक्ट वैल्यू पुट हो जाएगी, दैट इज हम जनरली क्या कर देंगे जीरो माइनस एच पुट कर देंगे और हमारा आंसर आ गया माइनस वन। जनरली हम क्या करते हैं याद रखने के लिए, अब इस फंक्शन में कॉन्स्टेंट था तो इसलिए हमने एक्स की जगह एज इट इज रख दिया, तो ए होगा तो ए माइनस एच पुट कर देंगे एंड लिमिट एस टेंड्स टू जीरो हो जाएगी। तो राइट हैंड लिमिट और निकाल लेते हैं, राइट हैंड लिमिट क्या बनेगी इसमें, हमारे पास लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो पॉजिटिव, सेम वाई फंक्शन, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो पॉजिटिव, फंक्शन की वैल्यू क्या है यहाँ वन, सेम जीरो प्लस एक्स रखेंगे अब की बार, पर क्योंकि फंक्शन है ही नहीं तो हम इसको डायरेक्टली वैल्यू को एज इट इज पुट कर सकते हैं, तो ये हमारे पास वन आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों निकल गई, लेकिन ये दोनों इक्वल ही नहीं है। नाउ लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। जब लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करी तो ये हमारा फंक्शन कैसा हो गया, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो इस तरह से मैं ये चेक करके बता सकता हूं कि मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस था या डिसकंटिन्यूअस था। तो हमने ये चेक करके देख लिया
जो आपका फंक्शन निकला वो क्या मिल गया, डिसकंटिन्यूअस निकल गया, क्योंकि हमने यहां पर अभी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट से ही क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर लिया। अगला क्वेश्चन करते हैं जो कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए वो क्वेश्चन कैसा है आपके पास, थोड़ा ध्यान से देखना उस क्वेश्चन को। देखिए तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन में पढ़ेंगे सेकंड क्वेश्चन। तो हमारे पास अब की बार जो फंक्शन है वो चेंज हो जाएगा, तो चेंज हो जाएगा तो उसकी वैल्यू रख देंगे। तो देखिए फंक्शन क्या है हमारे पास, फंक्शन है आपके पास एक्स इंटू साइन वन बाय एक्स। तो देखिए अब की बार ये फंक्शन थोड़ा अच्छा है, ये काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है, और वैल्यू है सेम एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, और जीरो पे वैल्यू आपकी जीरो दे रखी है, और हमें चेक करना है फंक्शन की, शो दैट फंक्शन इज चेक द चेक एफ एक्स इज कंटिन्यूअस और नॉट एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। अब ध्यान से देखना 99% केसेस में, अब क्योंकि ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, अब क्योंकि लेफ्ट जीरो नेगेटिव जीरो से कम वैल्यू, जीरो से कम वैल्यू में भी फंक्शन क्या है, यही है, जीरो से बड़े में भी फंक्शन क्या है, यही है। तो जब हमारा फंक्शन जीरो नेगेटिव और जीरो पॉजिटिव में बदल नहीं रहा हो तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अलग अलग ना निकाल के डायरेक्ट लिमिट निकाल देंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो ऑफ एफ एक्स, अलग अलग नहीं निकालते, यहीं से पता लग जाएगा। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, अब देखिए ध्यान से, क्योंकि यहां पर साइन नेगेटिव, अब साइन माइनस थीटा और माइनस साइन थीटा हमारे पास फर्क हो जाएगा, क्योंकि अगर देखिए अगर मैं एक्स नेगेटिव रखूंगा तो नेगेटिव नेगेटिव वापस वही पॉजिटिव बन जाएगा, बाहर भी नेगेटिव आएगा, और खाली पॉजिटिव रखता हूं तब भी फंक्शन यही रहेगा। तो मैं डायरेक्ट इसको सिंपलीफाई कर सकता हूं, एक्स साइन वन बाय एक्स, अब एक्स को रखेंगे जीरो प्लस एच, क्योंकि ये साइन ऑफ एनी नंबर, साइन लाइज बिटवीन, सबको पता है साइन की वैल्यू साइन एक्स लाइज बिटवीन माइनस वन एंड वन, इन दोनों के बीच में लाई करता है। ठीक है, अब देखिए ये तो क्या है, एक फिक्स्ड कांस्टेंट वैल्यू जो ऑसिलेट करेगी माइनस वन से वन के बीच में, तो दिस आई कैन से दैट इज ए कांस्टेंट वैल्यू। नाउ लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, तो जीरो इज मल्टीप्लाई बाय ए कांस्टेंट वैल्यू, तो आपका आंसर क्या आ गया, जीरो आ गया। नाउ व्हाट इज द फंक्शन वैल्यू, एफ ऑफ जीरो कितना है, इट इज गिवन टू बी जीरो। सो नाउ इन दिस केस लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो f of x is equal to f of 0. So function is now fx is continuous at x is equal to 0. तो इस तरह से आप अपने continuous, discontinuous, first kind, second kind questions को simplify कर सकते हो। अगर आपको दोस्तों ये video समझ में आई है तो इसको like करो, subscribe करो, share करो। Thanks for all of you watching this video.